दोस्तों हमने ईगल को बांधा, वो रस्सी को खोलना चाह रही है, अपने टांग से खोल रही है बार बार चोंच मार के। ओहो यार दोस्तों ये क्या हो गया, ईगल ने अपने आप को रस्सी से छुड़ा लिया। रुक स्नान, मैं नेट लेके आ रहा हूँ, इसको दोबारा पकड़ते हैं, भागे ना। दोस्तों हमारे इस कलरफुल चिक्स को ना पीछे चोट लगी हुई है, और वो वाले कलरफुल चिक्स इसको बार बार चूंचे मारी आ रहे थे, इसलिए मैंने इसको ना बटेरों के साथ बंद कर दिया ताकि वो चूंचे ना मारे इसको। यार नीचे रुबाब आया। क्या कह रहा है? आपको बुला रहा है। क्या कह रहा है? हार बाब जल्दी से नीचे आ, जल्दी। क्या हुआ, ये क्यों इतनी जल्दी बुला रहा है? क्या हुआ? नेट देखो कहाँ से? वो सामने नाई की दुकान पे टैंकी पे बैठा था, नीचे उतर गया। तूने देखा? पक्की बात है? मैंने अपनी आंखों से। कबूतर अपन दोनों में से किसी ने पकड़ लिया, कौन रखेगा? मैं। तू रखेगा भाई, मैं रखूंगा। चल यार पकड़े तो सही, तू रख। चल मैं नेट लेके आया, रुक एक मिनट, ध्यान करी उड़ ना जाए। दोस्तों कबूतर आ गया, उसको पकड़ते हैं और मैं जल्दी से नेट ले लूं। ये तो टूटा हुआ है ना, ये थोड़ा सा सही है, इसको लेके चलते हैं। वो सामने नाई की दुकान है, वहां पे कह रहा है कि कबूतर आया। चलो आ जाओ, ये जल्दी आओ, उड़ ना जाए। आज माशाल्लाह मौसम बड़ा प्यारा बना हुआ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बादल बने हुए। एक मिनट रुको, मैं दोस्तों को सब्सक्राइब कर कह दूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? कबूतर पकड़ने के लिए जा रहे हैं, कोशिश होगी साथ साथ को वीडियो भी बनाया जाए, आपको एंटरटेन किया जाए। आपने वीडियो को एंड तक देखना, स्किप नहीं करना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी हमारा चैनल छोटा है, इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट के साथ एक दिन बड़ा ज़रूर होगा, और यहाँ पर मिनी जू बनाने का ड्रीम भी इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट के साथ पूरा होगा। ईगल को मैंने रस्सी के साथ बांध के अभी छत के ऊपर छोड़ा है, अभी आके उसको भी देखते हैं। पहले हम कबूतर को जल्दी से पकड़ लें। दोस्तों ये छत आ गई, इधर कह रहा है कि कबूतर है। दरवाज़ा खुला ही हुआ है, ये अंदर से बंद है। भाई को कहते हैं यार दरवाज़ा खोलें। दोस्तों हम इतनी जल्दी में हैं, भाई कह रहे हैं दरवाज़ा खुला है, इस तरफ को खुला। मैं आगे को धकेल रहा था। चलो आराम से आना, शोर नहीं करना, ये मेरी टीम भी रेडी है। तू पकड़ेगा, मैं पकड़ूंगा हर बार। मैं पकड़ता हूँ या तू पकड़ ले, बात है। मैं पकड़ता हूँ, थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता आना, आराम से। इस छत पर बैठा हुआ है, अभी देखते हैं बैठा कहाँ पर होगा। वो लंटर बना रहे हैं भाई जान। कबूतर बैठा हुआ इधर? बैठा बैठा किधर? ये बैठा हुआ, ये रहा हुए। आराम से हुए। चल फिर रही है, इधर ला ये मोबाइल पकड़। कहाँ पे लगी हुई भाई जान सीढ़ी? ये वाली मैं अकेला ही जाता हूँ, फिर इधर ही खड़े हो तुम लोग। दोस्तों उधर से खतरा था, मुझे वहाँ चल के जाना था, मैंने फिर सीढ़ी को इधर लगा दिया और इधर से जाते हैं। और यार नेट तो पकड़ा दिया, तूने क्या करना इधर? कहाँ पे है कबूतर? वो सामने एक ही जगह पे बैठा हुआ है, गलत जगह पे आके बैठा है यार। यहाँ पे खतरे वाली बात भी है, ये भाई काम कर रहे हैं। ये लो यार पकड़ना, वीडियो तो बनाना यार। दोस्त काम कर रहे थे, इनको मैंने क्या वीडियो बनाई, क्योंकि दोस्तों को भी तो दिखानी है ना। अब मैं कबूतर को पकड़ता हूँ। मुझे लग रहा रहने देते हैं, पकड़ना है, बड़े खतरे वाला काम कर रहे हैं। दोस्तों मैं थक गया हूँ, मैंने अरबाब को जाली पकड़ा दी, मैंने कहा आप जाओ और आप पकड़ लो। वो सामने चला गया यार, मैं इधर ही खड़ा होकर देखता हूँ। वो ध्यान से पकड़, ये शिकारी बंदा मुझे लग रहा है ये पकड़ लेगा। वो पहुँच गया, वो पहुँच गया। पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले यार, जल्दी मार जल्दी मार। ओ तेरी यार ये क्या करती, ओ बैठिए बैठिए बैठिए, पकड़ 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 ध्यान से ध्यान से। थोड़ा सा छूट गया था, पहले पकड़े तो गया था। शाबाश गुड यार, ये तो अच्छा हो गया। चलो यार जल्दी चले, कहाँ पे सीढ़ी बोरी दिखाओ यार, मेहनत का फल हमें। माशाल्लाह कितना प्यारा यार, रिंग भी डाले हमें, रिंग की वजह से और खूबसूरत बनी है। माशाल्लाह पर भी पूरे हैं इसके। ले चले यार पेट हाउस में, मैंने रखना भाई तेरे। ये ले रहा हम, अब इसको पेट हाउस में ले चलते हैं। चला जा आ जाओ यार, बड़ी मेहरबानी आपकी, चला जाओ। दोस्तों वो सामने केज के ऊपर मैंने ईगल को भी रस्सी बांध के छोड़ा, वहाँ अकबर और जोधा भी फिर रहे हैं। जल्दी से चले, ये ना लड़ाई हो जाए इनकी आपस में, इनकी लड़ाई भी बड़ी होती है यार। कबूतरी को छोड़ दो उनके केज में, छोड़ दे लेकिन यार इसके पर पूरे पर काट दे और बाप के रहने दे वे। यार उड़ ना जाए फिर, इतनी मेहनत से पकड़ के लाए हैं, इधर छोड़ दो हैं इनके साथ। दोस्तों हमने ईगल को बांधा, वो रस्सी को खोलना चाह रही है, अपने टांग से खोल रही है बार बार चोंच मार के। ना करो यार, हमारे पास रहो, इतना ख्याल तो रख रहे हैं आपका।
वो देखो यार, ना खोलो, खुलने वाली, अगर मैंने आगे ना बढ़ा तो ये खुल के भाग जाएगी। ओहो यार दोस्तों, ये क्या हो गया, ईगल ने अपने आप को रस्सी से छुड़ा लिया। रुक स्नान, मैं नेट लेके आ रहा हूँ, इसको दोबारा पकड़ते हैं, भागे ना। उड़ गई, उड़ गई। ओ यार दोस्तों, हमारी चील उड़ गई है। दोस्तों ईगल की टांग पे मैंने रस्सी बांधी थी, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता खोल रही थी, बैठी हुई थी, तो मैंने आपको दिखाया भी था, मैंने नोट नहीं किया, मैंने कहा नहीं खोल सकती, लेकिन उसने खोल लिया और उड़ गई। यहाँ पे जब बैठी हुई थी, मैं नेट लेने के लिए गया, मैंने कहा दोबारा इसको पकड़ लेते हैं, अभी मेरा उसको छोड़ने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था, लेकिन चली गई है। बड़ा ही अफसोस हुआ, हमारे पास पेट्स पहले बहुत कम थे, इसलिए मैंने कहा चलो ईगल को भी उधर रख लेते हैं। अभी हमने 4-5 दिन और रखना था, फिर आज़ाद करना था, लेकिन वो पहले ही चली गई। अभी 3 दिन हुए हैं, ये जा रही है सामने, अगर कबूतर होता क्या पता वापस आ जाता। ये तो चील अब नहीं आने वाली, ये मुझे लग रहा है। आ जा वापस, इतनी मेहनत से पकड़ के लाए थे, अभी 2 दिन हुए हैं इसको पकड़े हुए। ओहो दोस्तों, बड़ा अफसोस हुआ, बड़ी मेहनत से पकड़ के लाए थे, अभी मैंने 4-5 दिन और रखना था। वो सामने पेट हाउस के इर्द गिर्द घूम रही है, क्या पता वापस आ जाए, मुझे नहीं लगता वापस आएगी ये। आ जा यार वापस, नहीं आने वाली है। दोस्तों मैंने डिसाइड किया था कि जहाँ से पकड़ के लाए थे ना, वहाँ जाके आज़ाद करेंगे 4-5 दिन बाद, लेकिन आज दूसरे दिन ही ये उड़ गई है। दोस्तों हमारी ईगल तो उड़ गई, अब इन सब पैट्स को खाना वगैरह दे दें जल्दी से। अरसलान के पास थोड़ी सी डब्बू रोटी है, ये देते हैं अभी सारे पैट्स को इकट्ठा करके। क्या हो गया, क्या हो गया, फिर भी नहीं पकड़ा गया तेरे से भाई। इधर आ, मैं डब्बू रोटी देता हूँ यार। दोस्तों हमारी डक्स उधर नहाने के लिए चली गई, यहाँ पे मैंने डबल रोटी रखी है, ऊपर थोड़ा सा पानी डाला, यहाँ पे आई नहीं खाने के लिए, इनको पता ही चला, नजर ही नहीं आ रही। और यहाँ पे थोड़ी सी रखी है मुर्गियों के लिए, वहाँ पे डक्स आ गई खाने के लिए। वो देखे कैसे भाग गए खाने के लिए, इसको अभी पता चला कि डबल रोटी खुल गई है। दोस्तों जब भी मैं टर्टल को कमरे में छोड़ता हूँ, ये पैरट्स कॉलोनी के नीचे छुप जाते हैं, जल्दी निकाल यार। दोस्तों हमारी पैरट्स कॉलोनी भी डिस्टर्ब हो गई है बेचारी, चलो इसको तो उठाएं हम, ले आ दोनों को ले आ यार। ओहो यार हमारी डक्स ने सारा पानी गंदा कर दिया, दोनों टब वाला। मैंने टर्टल को छोड़ के इनको डबल रोटी देनी थी, चल यार थोड़ी सी में छोड़ दिया। दोस्तों मैंने टब को वहाँ से उठा के इधर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इनको मैंने खाना देना है, हमारी डक्स सारा का सारा इनका खा जाएंगी। तो अब हम इसको जल्दी से खाना दे देते हैं, ये इनकी डबल रोटी है और दाना इनका मैं लेके आता हूँ। दोस्तों इस ट्रे में मैं अकबर और जोधा के लिए खाना रेडी कर रहा था, ये नीचे से साफ पानी देने के लिए गया, मुर्गा ऊपर गया और इनको मार के नीचे ले आया। ये अकबर और जोधा दोनों इधर आ गई हैं, और मुर्गा हमारा बड़ा इशारते करने लग गया, जैसे जैसे आगे जाता है वो हमारा अकबर डरता बेचारा, वो भागी जा रहा है, फिर ऊपर आ जाएंगे। चलो इधर आ जाए, और मुर्गे कोई मुझे इलाज करना पड़ेगा, ये साफ पानी है उनके लिए। और ये ट्रे रेडी हो गया हमारे अकबर और जोधा के लिए, ये चारा थोड़ा सा फ्रेश नहीं था, सुबह का पड़ा हुआ था, चलो खैर रख देते हैं, क्या पता खा लें। इनकी बैठने की जगह यहाँ पे है, तो यहीं पे मैं रख देता हूँ। चलो ये हमारे बटेरों के लिए खाना आ गया, इनको मैंने बड़े केज में कन्वर्ट कर दिया, ये आपस में लड़ते बहुत हैं, अब थोड़ी इनकी लड़ाई कम हो गई है, ये इनको यहाँ पे खाना रख देते हैं हम। इसने खाना भी स्टार्ट कर दिया, खा लो आराम से खाना, नीचे नहीं गिराना, नीचे बहुत गिराते हैं हमारे पैट्स, काफ़ी ज़्यादा खाना ज़ाया करते हैं। ये वाला रैबिट इसकी झोली में क्यों गया हुआ है, ये इधर क्या हो रहा है, मुँह छुपा रहा है, पता नहीं इसने अपना मुंह क्यों छुपाया हुआ, क्या हुआ है, बेइज्जती कर रहा है, वो होल के अंदर चले गए। और दोस्तों मैं अभी अकबर और जोधा को खाना दे के गया, उन्होंने नीचे गिरा भी दिया, जाया कर दिया, ये देखें दोबारा खा भी नहीं रहे, इस तरह करती है ना फिर मुझे इनको खाना देने का दिल नहीं करता, ये देखें। ओहो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, मिलते हैं कल इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।